इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ओपन पाइप। ये देखो दोनों तरफ से ओपन, ये देखो दोनों तरफ से ओपन, वही चल रहा होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंटी नोड मिनिमम है नोड। अब एक बात देखो, मैंने एक बात कही थी कि एंटी नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर और दो कंजेक्टिव एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू। साफ बात है इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा बराबर टू एल के आ जाएगा नहीं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा, तो वी अपॉन टू एल, ये आ गई हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ बना एक लूप, याद रहे एक एंटी नोड से दूसरा एंटी नोड तक एक लूप कहलाता है। कभी कभी खाली ये पूछ लेते हैं लूप कितने बने, ये देखो कितने लूप हो जाएंगे, एक और एक दो लूप, दो लूप हैं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड फ्रीक्वेंसी कैसी निकलेगी, टू को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ वन से। एफ वन हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप के लिए एफ वन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वी अपॉन टू एल। अगर इसी तरह दो की जगह तीन लूप बन जाए तो क्या हो जाएगी हमारी थर्ड फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल होगी, थ्री एफ वन के, किसके इक्वल हो जाएगी, थ्री एफ वन के, थ्री अपॉन वी टू। वैसे अगर ये nth फ्रीक्वेंसी है तो ये n v अपॉन टू एल होती जाएगी, सातवीं फ्रीक्वेंसी है तो सेवन v अपॉन टू एल। अब बच्चों बहुत MCQs इस पे आएंगे, बाज़ों का तो ये भी कर सकते हैं कि v की और l की कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, v की और l की कोई वैल्यू भी दी जा सकती है, जहन में रखें इस बात को। अब जैसे कि यहीं देख लें O प्लस वन एफ वन, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालने की बात होती है, तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अच्छा अगर n प्लस वन फ्रीक्वेंसी जिसको हम nth ओवरटोन भी कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, n प्लस वन, हाँ जी एफ वन से मल्टीप्लाई करना है तो एफ वन ओपन पाइप के केस में होगी v अपॉन टू एल। तो एग्जाम में सारे सवाल आ चुके, सिर्फ उन्होंने पूछा था कि सेवन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है और ऑप्शन था सेवन v अपॉन टू एल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन पाइप।